हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 6 दिसंबर दिन बुधवार है, वह हिंदी महीना अगन और कृष्ण पक्ष की नवमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों प्रदेश की करोड़ों लाडली बहनों को फिर मिलेगी सौगात। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद देश भर में लाडली बहना योजना की चर्चाएं जोरों पर है। हर कोई इसे बीजेपी के लिए लकी और गेम चेंजर मान रहा है। वहीं अब नतीजों के बाद योजना की अगली किस्त को लेकर भी कयासों का दौर शुरू हो गया है। संभावना जताई जा रही है कि अगले हफ्ते योजना की सातवीं किस्त जारी की जा सकती है। चूंकि घोषणा के अनुसार इस योजना की राशि हर महीने की 10 तारीख को जारी की जाती है। वहीं जीत के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी संकेत दिए थे कि अब तारीख आ रही है, एक एक बात को पूरी की जाएगी। यदि 10 तारीख से पहले मुख्यमंत्री पद का चुनाव हो जाता है तो 10 तारीख को लाडली बहना योजना की सातवीं किस्त जारी हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान के प्रभाव से प्रदेश के इन जिलों में आंधी और बारिश के आसार हैं। मध्य प्रदेश में फिलहाल 9 और 10 दिसंबर तक मौसम के यूं ही बने रहने का अनुमान है। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय मौसम प्रणालियों, चक्रवाती तूफान और बंगाल की खाड़ी के साथ अरब सागर से आ रही नमी के चलते 7 से 9 दिसंबर तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ रहा तूफान मिचोंग गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होते ही आंध्र प्रदेश के तटीय तट से टकराने वाला है। इसके असर से पूर्वी मध्य प्रदेश में ऊंचाई पर बादल छाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में चक्रवाती तूफान का असर जबलपुर और शहडोल संभाग में देखने को मिलेगा। इस दौरान संभागों के जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। इसके बाद 11 और 12 दिसंबर को प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बताया जा रहा है कि इस चक्रवाती तूफान का असर 15 दिसंबर तक रहेगा, उसके बाद कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी। दोस्तों मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा हार की समीक्षा की गई। इस समीक्षा बैठक में तालियां भी बजी हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठक की। इसमें प्रत्याशियों ने खुलकर संगठन को खरी खोटी सुनाई। यह बैठक 5 दिसंबर को भोपाल में आयोजित की गई थी। इसमें जीते हुए और हारे हुए दोनों प्रत्याशी शामिल हुए थे। बैठक में प्रत्याशियों ने भाजपा और आरएसएस से सीख लेने तक की नसीहत दे दी। समीक्षा बैठक में मंगलवार को प्रत्याशियों का गुस्सा जमकर फूट पड़ा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार को लेकर जहां प्रत्याशियों ने पदाधिकारी, संगठन और भीतरघात करने वाले पर हमला बोला, तो वहीं जीत कर आने वाले उम्मीदवारों ने कहा कि ईवीएम का रोना बंद करो, भाजपा के माइक्रो मैनेजमेंट को समझो। प्रत्याशियों ने कहा कि किसी को दोष देना गलत है, हमारा संगठन ही मजबूत नहीं था इसलिए हम हार गए। दोस्तों चुनाव के बाद अब कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो सकती है। प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों तथा पेंशनरों का महंगाई भत्ते को लेकर इंतजार खत्म हो सकता है। चुनावी नतीजों के बाद कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जल्द वृद्धि देखने को मिल सकती है। क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान इसका पहले ही ऐलान कर चुके हैं, लेकिन आचार संहिता के चलते चुनाव आयोग से मंजूरी नहीं मिल पाई थी और अब संभावना जताई जा रही है कि नई सरकार के गठन के बाद इस पर मंजूरी जल्दी मिल जाएगी, अर्थात महंगाई भत्ते को लेकर आदेश जारी किए जा सकते हैं। क्योंकि अब आचार संहिता भी खत्म हो गई है और चुनावी नतीजे भी मौजूदा सरकार के फेवर में आए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि प्रदेश में 7वें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 42% की दर से अभी डीए मिल रहा है, जो 4% वृद्धि के बाद बढ़कर 46% हो जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि केंद्र के समान इसे भी जुलाई 2023 से लागू किया जा सकता है। ऐसे में जुलाई से नवंबर तक का एरियर भी कर्मचारियों को दिया जा सकता है। वहीं यदि ऐसा होता है तो 46% डीए होने पर कर्मचारियों को महीनेवार 600 रुपये से लेकर के 5,700 रुपये की वृद्धि होगी। दोस्तों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताया है जनता का आभार। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना पहले था और ना ही आज हूँ। इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने इसमें कहा है कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने जो भी काम दिया है उस काम को मैंने पूरी प्रामाणिकता के साथ निभाया है। मुझ में जो सामर्थ्य था उसे झोंक कर मैंने उस काम को पूरा किया है। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना ही आज हूँ। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैं कार्यकर्ता के नाते ही काम करूँगा। जो पार्टी मुझे काम देगी उसे सदैव समर्पित भाव से करूंगा। मोदी जी हमारे नेता हैं,
उनके साथ काम करने में हमेशा मुझे गर्व है, आनंद का अनुभव हुआ है। वहीं उन्होंने वीडियो में कहा कि प्रदेश की जनता का एक बार फिर से आभार है क्योंकि उन्होंने भाजपा को जिताया है। दोस्तों, चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस के नेता उमंग सिंगार जी ने मांगी है दिग्विजय सिंह से माफी। कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार जी ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं रहे। हम जनादेश का सम्मान करते हुए चुनाव परिणामों को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि आदरणीय कमलनाथ जी एवं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ा है। हम सब संगठित हैं, एक हैं एवं भविष्य की लड़ाई के लिए तैयार भी हैं। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि मेरे पूर्व के किसी भी आचरण से आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के सम्मान में कोई ठेस पहुँची हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस प्रकार उमंग सिंगार जी ने दिग्विजय सिंह जी से माफ़ी मांगी है। दोस्तों, प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान का एक और बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, छिंदवाड़ा जाऊंगा। अपने आप को मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर बताने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह दिल्ली नहीं छिंदवाड़ा जाएंगे और वे वहां लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छिंदवाड़ा में हम सातों की सातों विधानसभा सीटें हार गए हैं। उन्होंने कहा कि अब हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में 29 कमल की माला डालकर लोकसभा चुनाव में उन्हें सौंपेंगे ताकि वे फिर से भारत के प्रधानमंत्री बन सकें। दोस्तों, प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी अर्थात मुख्यमंत्री पद के लिए कैलाश विजयवर्गीय की कयावत शुरू हो गई है क्योंकि प्रदेश की राजधानी में लगाए गए पोस्टरों में शिवराज सिंह चौहान गायब हो गए हैं। शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना को गेम चेंजर साबित करने में जुटे हुए हैं। वहीं विजयवर्गीय ने जीतने के बाद उस योजना के बजाय मोदी के शीर्ष नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के चाणक्य नीति को तवज्जो दिया है। वहीं भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है और कैलाश विजयवर्गीय खेमे ने बड़ी जिम्मेदारी के लिए लॉबिंग भी शुरू कर दी है। अर्थात उनके चहेते कार्यकर्ता कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बनाया जाए, साथ ही इसको लेकर माहौल बनाना भी शुरू कर दिया है। उधर भोपाल में विजयवर्गीय समर्थक द्वारा लगाए गए होर्डिंग से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा गायब है, लेकिन आलाकमान क्या फैसला लेती है वह एक दो दिन में पता चल जाएगा। दोस्तों, बेमौसम बारिश में किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने दी है सलाह। सलाह के तहत फसल के खेतों में जल का ठहराव नहीं होना चाहिए, यदि जल हो तो उसे कटाव कर अतिरिक्त जल निकासी करें। वहीं अधिक वर्षा की स्थिति में खेत से पानी निकासी की व्यवस्था करें। वहीं कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि दलहनी फसलों चना मटर मसूर और धनिया आदि में पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। वहीं गेहूं की फसल में सिंचाई न करें। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो वर्षा हो रही है वह सिंचाई के बराबर ही काम करेगी। दोस्तों, देश में आए मिचोंग तूफान ने किया है लैंडफॉल, जिसके चलते तेज हवाएं और भारी बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठा चक्रवात मिचोंग आंध्र प्रदेश पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर 1 बजे तक आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच पहुंच गया है। इसमें हवाएं 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। वहीं साइक्लोन को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड पर भी है। राज्य सरकार ने तिरुपति नेल्लोर प्रकाशनम बाबतला पश्चिम गोदावरी कोनसीमा और काकीनाड़ा जिले के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। इन जिलों में NDRF तथा SDRF की टीम तैनात की गई है। स्टैंड बाय पर कोस्ट गार्ड और आर्मी तथा नेवी के जहाज भी हैं। इस प्रकार मिचोंग तूफान से निपटने के लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस मिचोंग तूफान का असर उड़ीसा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।